प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री आवास योजना को पलीता लगाता दिख रहा है इस गरीब का टूटता हुआ घर। बड़ी असमंजस तब होती है जब यह बार बार सुनने और हर दिन सरकारी विज्ञापनों में देखने सुनने में आता है कि सरकारें गरीब के साथ खड़ी हैं, और उससे भी बड़ी उलझन तब होती है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहा जाता है कि हर गरीब यानी आवास विहीन को पक्का घर। अब सच में यह समझना मुश्किल है कि यह सब विज्ञापन और प्रचार प्रसार तक ही सीमित है कि धरातल पर भी कुछ अमली जामा पहनाया जा रहा होगा। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गरीब हर तरफ से पिस रहा है और सरकारी योजनाएं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि जनपद चमोली के विकासखंड देवाल मुख्यालय से लगा गांव है पूर्णा गांव। इस गांव में एक बेरोजगार युवक है खिलाफ राम, जिसके पास अक्सर रोजगार की भी कमियां रहती हैं। इसका एकमात्र पुराना जीर्ण शीर्ण घर उसकी बरसात में लगभग भराभर टूटते जा रहा है, जिससे उसके बर्तन, राशन, कपड़े और रहने की जगह बारिश और मकान के मलबे बर्बाद हो गए। ग्राम प्रधान द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई, पर क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक प्रमोद नेगी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र रावत ने खिलाफ राम के घर का स्थलीय निरीक्षण किया, और इन सब के संयुक्त निरीक्षण में भी इस घर और घर के सदस्य को हर समय गंभीर नुकसान होने की पुष्टि की गई। जब हमने ग्राम विकास अधिकारी से मालूमात किया तो उन्होंने बताया कि खिलाफ राम का चमन प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा है, लेकिन यह अभी प्रतीक्षा सूची में है और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए कोशिश की जाएगी कि प्रभावित खिलाफ राम का नंबर आगे आ जाए। इस तरह क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक प्रमोद नेगी ने बताया कि जैसे ही उनको इस घटना की सूचना मिली तो वह निरीक्षण करने पहुंचे और पाया कि वाकई में खिलाफ राम के घर की स्थिति काफी दयनीय है और उनके साथ उनके घर का राशन और बर्तन बर्बाद हो गया। बताया कि उनके लिए खिलाफ राम को त्वरित अहेतुक धनराशि सहयोग में दी जा रही है और बाकी वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार गतिमान है। ये जो ये अभी मकान टूटा हुआ है आपका, ये कैसे टूटा? ये सड़ा हुआ था, उसकी लकड़ियाँ सब सड़ गया है, चौखट खिल गया, दरवाजे के पड़ोस लकड़ी वाला सब सड़ गया है। अच्छा, अभी दरार पड़ी है, ये भी सब आने वाला है, ये भी सब आने वाला है, जब गया तो इसमें भी दरार आ गई है। ये अभी टूटा हुआ है? अभी टूटा है ये। अच्छा, खाना ना कुछ नहीं खा रहा है, बर्तन अंदर रखे हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ भी सब टूटने वाला है? टूटने वाला है। बाकी शाम को रहने का? रहने को कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हाँ, रहने का कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे छोटे निदान है, घर है, घर वाली ऐसी है, रात को कहाँ रहेंगे हम। नमस्कार साथियों, मैं हरीश चंद सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता, आज आपको एक खिलाफ राम पुत्र जीतराम के मकान इस वर्षा काल में, आपदा काल में क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके बच्चे दबते हुए बच गए हैं। मैं प्रशासन से कि आप इस गरीब अनुसूचित के व्यक्ति का मदद करने की कृपा करें और प्रधानमंत्री के हर नागरिक को घर की योजना को घर घर तक पहुंचाएं और गरीब व्यक्ति को जरूर आने की कृपा करें। मैं आपसे निवेदन हूं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको आवास की योजना दिलाई जाए। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।